अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सामस किचन। आज हम बना रहे हैं आलू अंडे के कबाब, जो बहुत ही सिंपल चीज़ों से बनते हैं और खाने में उतने ही मज़ेदार होते हैं। चलिए देखते हैं आलू अंडे के कबाब बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है। 3 अंडे लिए हैं, इनको मैंने सख्त बॉयल किया है। और यहाँ पर कुछ मसाले हैं, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम मैंने काली मिर्च ली है पिसी हुई, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप बाद में चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो और डाल लें, ज़्यादा हो जाएगा तो वो मसला हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून दूध लिए हैं ये अंडों में डालने के लिए। 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्चें, अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप मिर्चें ना डालें। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम प्याज लिया था, जिसको मैंने कद्दूकश करके इसका पानी निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है। 2 अंडे लिए हैं, इसमें मैं डाल दूंगी ये जो 1/2 कप मैंने यहाँ पे मैंने जो 2 से 3 टेबल स्पून दूध लिया है ये डाल दूंगी इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको साइड पे कर देंगे, कबाब तैयार करके इसमें हम डिप कर सकें। इनको साइड पे कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं और मैंने 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं, ये डाल दूंगी। इससे ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत ही ये कबाब खूबसूरत लगेंगे। सफ़ेद तिल मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया, इसको भी साइड पे कर लेंगे। और ये जो अंडे हैं ये भी साइड पे मैंने रख दिए हैं। अब यहाँ पे हम आलू कद्दूकश करेंगे और ये अंडे कद्दूकश कर, इसके लिए मैं बोल लूँगी। अब ये आलू जो है ये मैं सारे कद्दूकश कर लूँगी। ये आलू हमारे सारे कद्दूकश हो गए हैं। अब ये जो अंडे हैं इसको भी हम कद्दूकश इसी तरह कर लेंगे। यहाँ पे देखे मैंने अंडे भी कद्दूकश कर लिए हैं, अब इसको हम साइड पे करेंगे। अब इसमें ये सारे मसाले चले जाएंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये प्याज, ये चली जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को मैं हाथों से अच्छी तरह मिक्स करूँगी। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं। इस पॉइंट पे आप नमक देख सकते हैं, अगर कम है तो डाल लें। मैंने देखा बिल्कुल परफेक्ट नमक है ये। अब ये इसके हम कबाब तैयार करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे। अब इस तरह हम इसके हाथों में ये मिक्सचर लेंगे और इसका हम कबाब बनाएंगे। आप कोई भी शेप देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं इस तरह ये कबाब तैयार करूँगी, इस तरह बना लिया, इसी तरह ये सारे कबाब मैं तैयार कर लूँगी। अब ये जो मैंने 2 अंडे और 2 से 3 टेबलस्पून दूध डाला था, इसमें थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 2 से 3 चुटकी काली मिर्च डाल दूँगी बस। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये कबाब ही हमारे तैयार हैं। अब एक एक कबाब पकड़ेंगे, पहले इसको अंडे में डालेंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्स में। अच्छी तरह इसको कोट करूंगी। अगर आपके पास सफेद तिल नहीं है तो आप मत डालें ब्रेड क्रम्स में, अगर डालेंगे तो कबाब खूबसूरत लगेंगे आपके। पहले अंडे में फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके ये सारे कबाब मैं तैयार कर लेती हूँ। ये सारे कबाब हमारे तैयार हो गए, अब इसको हम फ्राई करेंगे। पैन में मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम पे। बस इसको हमने गोल्डन करना है दोनों तरफ से, एक एक करके इसमें डालूंगी। आप चाहें तो इनको फ्रीज भी कर सकती हैं, बस जितने आएंगे हम डाल लेंगे इसमें। अब इसको मैं एक तरफ से गोल्डन होने दूंगी। हर चीज़ इसमें पकी हुई है, बस इसको हमने दोनों तरफ से गोल्डन करना है। ये एक तरफ से गोल्डन हो चुके हैं, अब इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ही हल्की आंच में इसको साइड को चेंज करना है। खुशबू इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है,
अब ये कबाब खाएंगे तो आप चिकन के कबाब भूल जाएंगे। बस इसी तरह हम दूसरी तरफ से गोल्डन करेंगे। अब देखो दोनों तरफ से ये गोल्डन हो चुके हैं। अब इसको मैं प्लेट में निकाल के डिश आउट करूँगी। ये डिश हमारी बिल्कुल तैयार है। आलू अंडे के बहुत ही सिंपल, इजी और उतने ही मज़ेदार आलू अंडे के कबाब, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में उतने ही मज़ेदार। अगर आपको ये मेरी आलू अंडे के कबाब की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।